होम, इस COVID-19 की बीमारी से त्रस्त आत्माओं को किस प्रकार उभरने का मौका मिले, कैसे ये समझ आना चाहिए कि ये उन्हीं के जीवन के द्वारा दिया गया, उन्हीं के कर्मों का किया गया हिसाब किताब है। इसको चुकतू करने के लिए भी उन्हें स्वयं में अपने आप को तैयार करना होगा। इस वायरस के लिए बहुत से अपने अपने एक्सपीरियंस दिए गए साइंटिस्ट के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, कि जो लौकिक ये अननोन वायरस जिसके बारे में सिर्फ संभावनाएं ही प्रतीत की जा चुकी हैं अब तक, कि कभी चमगादड़ से बताया गया, कभी व्यक्ति की खोज बताई गई, कभी किसी के द्वारा नेगेटिविटी की अप्रोच बताई गई, लेकिन अगर आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से इसे देखा जाए, आध्यात्मिकता के परिप्रेक्ष्य में इसे लिया जाए, तो हमारा मानना यह है कि ये COVID-19 का जो वायरस बताया गया कि विभिन्न प्रकार से आया, ऐसा नहीं है। इसकी देन, इसकी उत्पत्ति, इसका फैलाव हमारे स्वयं की अप्रोच की निशानी है, जो हमने स्वयं तैयार किया, जिस पर हमने स्वयं कार्मिक अनुभव किया, उसी से ये प्राप्त हुआ, जिससे बचाव के बहुत से अलग अलग तरीके बताए गए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेसिक स्टैंड ये दिया गया कि आइसोलेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस फॉर टू सेव योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हाउ वी आइसोलेट हिमसेल्फ। यह देखना बहुत ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को फिजिकली आइसोलेट करते हैं तो क्या लाभ होता है, एंड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों ही रूप में अगर अपने आप को आइसोलेट करते हैं तो क्या लाभ होता है। ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस जो करेगा ना, वही महसूस कर सकता है। इसको अगर दो शब्दों में परिभाषित किया जाए, अगर दो शब्दों में टाइटल दिया जाए, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अलौकिक अनुभव है। जिसको हमने एक्सपीरियंस किया, आप अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो उसका डिफरेंट मैटर होगा, उसका डिफरेंट अप्रोच होगी, उसकी डिफरेंट सोच होगी। अब स्पिरिचुअली हमने इसको जो अनुभव किया, तो अगर आप देखें जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअल पावर को जाना है, सुप्रीम पावर को जाना है, वो समझते हैं कि अपने आप को आइसोलेट करने से सिर्फ COVID-19 जैसी बीमारी से नहीं बचा जा सकता, बल्कि और भी बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जिन वायरस से हम अपने आप को सेव कर लेते हैं। वो वायरस ना तो सिर्फ हमारे फिजिकल को सेव करते हैं, बल्कि हमारी इंटरनल स्पिरिचुअल पावर को भी सेव करते हैं। और इंटरनल स्पिरिचुअल पावर के बारे में जब तक हमको पता नहीं होता है, तब तक हमको उसको सुरक्षित रखना आवश्यक नहीं समझते, ऐसा महसूस करते हैं कि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि आज के समय में इस भौतिकता के जीवन की दुनिया में व्यक्ति ने अपने आप को सांसारिक भौतिक संसाधनों से इतना बांध दिया है, इतना अटैचमेंट कर लिया है कि वो अपनी इंटरनल पावर को पहचानता ही नहीं है। और जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, हमने एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ कोऑपरेट होकर, लोगों को बताकर, लोगों को समझाने की कोशिश करके, तो लोग तो ये कहते हैं कि इसका कोई महत्व ही नहीं है, सिर्फ प्राइमरीली भौतिक संसाधनों की आवश्यकता को महत्वता देते हुए वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है, जब तक व्यक्ति को होता नहीं है तब तक वो समझता नहीं है कि क्या हो सकता है। इस COVID-19 के वायरस ने लोगों को इतना तोड़ दिया, झकझोर दिया कि उनको समझ में आया कि जब तक अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे तब तक हम इससे बच नहीं सकते। विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा, विभिन्न देशों के राजनयिकों द्वारा बहुत से प्रयास किए गए डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके से, लेकिन फाइनली पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि आइसोलेशन ही सबसे बेस्ट प्रोसेस रहा, वो सबसे अच्छा तरीका रहा अपने आप को सेव करने का। और जहाँ तक अगर आप देखेंगे, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के अंदर आइसोलेशन की व्यवस्था तो पहले से है। ब्रह्मा कुमारी इसमें सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि अपने आप को सेफ करना है, फिजिकली सेव करना है, इंटरनली सेव करना है, स्पिरिचुअली। ये तीनों ही पावर आपके अंदर होना आवश्यक है। जब तक आप अपनी फिजिकल पवित्रता को धारण नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी इंटरनल पावर को जागृत नहीं करेंगे, तब तक आपको स्पिरिचुअलिटी की मदद नहीं मिल पाएगी। स्पिरिचुअलिटी की जिसको मदद नहीं मिलेगी, वो सुखद अनुभव नहीं कर सकता जिस सुखद अनुभव के लिए आपको मानव जीवन मिलता है। ओम।